WWE के तीन सबसे डरावने रेसलर नंबर 3 केन, इनकी एंट्री बहुत ही धमाकेदार होती है। ये रिंग में आते ही आग लगा देते हैं, जिससे लोग काफी डर जाते हैं और ये पूरी दुनिया में इनकी ताकत और डरावने लुक की वजह से फेमस है। नंबर 2 अंडरटेकर, WWE के सबसे फेमस सुपरस्टारों में से एक अंडरटेकर की एंट्री भी बहुत खतरनाक हुआ करती थी। एकमात्र ऐसे खिलाड़ी थे जिनके आने से डरावना माहौल बन जाता था और इनके डरावने चेहरे को देखकर सामने वाले के पसीने छूट जाते थे। नंबर 1 द बुगी मैन, ये रेसलिंग की दुनिया का सबसे डरावना चेहरा था। बड़े बड़े रेसलर भी इसके सामने जाने से डरते थे। ये अपने मुंह से केचुए निकालकर सामने वाले के मुंह में डालता था और ये गले में दिल और ये हाथ में घड़ी लेकर आता था, जो बहुत ही अजीब था। दुनिया के तीन सबसे खतरनाक और रहस्यमय गड्ढे। नंबर 3 मारियाना ट्रेंच, पृथ्वी का खोजा गया आज तक का सबसे गहरा गड्ढा, जिसकी गहराई का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि अगर दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट को भी इसके अंदर डाल दिया जाए तब भी इसकी चोटी 2 किलोमीटर अंदर तक डूबी रहेगी। नंबर 2 गुवाहाटीमाला होल, 2010 में गुवाहाटीमाला शहर के बीच अचानक बनने वाले विशालकाय गड्ढे ने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया, जिसमें गिरकर 5 लोगों की मौत हो गई थी। इस गड्ढे के बनने की वजह क्या थी आज तक ये पता नहीं चल पाया। नंबर 1 डोर टू हेल, इसे नर्क का दरवाजा भी जाता है। शुरुआत में इस गड्ढे में कोई आग नहीं थी, लेकिन जब वैज्ञानिक यहाँ रिसर्च करने गए तो उन्होंने गड्ढे से निकलने वाली गैस को रोकने के लिए यहाँ आग लगा दी। उन्हें ऐसा लगा कि कुछ समय बाद आग बुझ जाएगी, लेकिन आज 50 साल से अधिक समय हो गया है लेकिन ये आग अब तक नहीं बुझी। दुनिया की तीन सबसे रहस्यमय किताबें। नंबर 3 बुक ऑफ सोएगा, इस किताब को बुक ऑफ डेथ भी कहा जाता है। माना जाता है कि इस किताब में अनेक जादुई क्रियाओं और आत्मा से जुड़े अनेक अनसुलझे रहस्यों के बारे में बताया गया है। इस बुक को सीक्रेट कोड्स में लिखा गया है और इन कोड्स का मतलब किसी को भी नहीं पता, लेकिन माना जाता है कि ये किताब जादुई मंत्रों से भरी पड़ी है, लेकिन इसे कोई डिकोड नहीं कर सकता। नंबर 2 द ग्रैंड ग्रिमोइर, इस किताब को एक ऐसे इंसान के हाथों लिखा गया था जो किसी बुरी आत्मा के वश में था। इस किताब में काले जादू और शैतानी आत्माओं को बुलाने की विधियों का वर्णन किया गया। इससे माना जाता है कि कोई इस किताब को पूरा पढ़ लेगा तो वो पूरी तरह से बुरी आत्मा के काबू में हो जाएगा, इसलिए इस किताब को लोगों के पहुंच से दूर रखा गया है। नंबर 1 कोडेक्स गिगास, इसे डेविल्स बाइबल के नाम से भी जाना जाता है। इसे एक मॉन्क के द्वारा लिखा गया था, जिसे ये किताब एक दिन में लिखनी थी पर एक दिन में संभव नहीं था। तब उसने शैतान मंत्रों द्वारा लूसीफर को बुलाया, जो कि एक डेविल है, और उससे उसकी आत्मा का सौदा करके उसे दूरी किताब को उस डेविल के हाथों लिखवाया और वो किताब आज भी है। भारत के इतिहास की तीन सबसे खूबसूरत रानियां। नंबर 3 रानी लक्ष्मीबाई, मेरी झांसी नहीं दूंगी, ये कहकर अपने देश के लिए लड़ने वाली वीर वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई। इनका जन्म वाराणसी के एक मराठी ब्राह्मण के परिवार में हुआ था। इनका नाम खास तौर पर इनकी वीरता के लिए जाना जाता है, लेकिन वो बहादुर होने के साथ साथ बेहद सुंदर भी थी। वो अपने अंतिम सांस तक अंग्रेजों से लड़ी थी। नंबर 2 महारानी पद्मिनी, रानी पद्मिनी चित्तौड़ के राजा रत्न सिंह की पत्नी थी। रानी पद्मिनी बेहद सुंदर थी और इनकी सुंदरता की चर्चा सुनकर दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। इस युद्ध में लगभग 30,000 सैनिक मारे गए और युद्ध जीतने के बाद भी अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मिनी को हासिल नहीं कर पाया, क्योंकि वो रानी तक पहुंच पाता उससे पहले ही रानी पद्मिनी आग में कूदकर सती हो गई। नंबर 1 संयोगिता, संयोगिता राजा जयचंद की पुत्री थी जो अपनी सुंदरता के कारण प्रसिद्ध थी। रानी संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान की प्रेम कहानी भारत के इतिहास में सुवर्ण अंकों में अंकित है। जब पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाया गया था तब संयोगिता ने अपनी आन मान शान के लिए अपने आप को अग्नि के हवाले कर दिया। दुनिया के तीन सबसे अजीबोगरीब सांप। नंबर 3 स्पाइडर टेल हॉर्न वाइपर, ये सांप अपने पूंछ से शिकार करता है क्योंकि इसके पूंछ पर एक मकड़ी बनी होती है। ये सांप सिर्फ अपने पूंछ हिलाता है तो फिर किसी पक्षी की नजर इसके पूंछ पर पड़ती है तो वो उसे मकड़ी समझकर इसका शिकार करने जाता है और तभी ये सांप पक्षी पर झपट कर उसका शिकार बना लेता है। नंबर 2 डबल हेड स्नेक, ये सांप काफी रेयर होते है और इसके 2 सिर होने के साथ साथ ये दोनों अलग अलग खाते है, ये कभी कभी एक दूसरे पर अटैक भी करते है। इस सांप की मार्केट में कीमत 1 करोड़ से भी ज्यादा होती है। नंबर 1 हॉर्न वाइपर, एक इकलौता ऐसा सांप है जिसके 2 सिंग होते हैं, साथ ही काफी ज्यादा जहरीली भी होती है। ये सिंग इन्हें रेगिस्तान की रेत और मिट्टी से बचाते हैं, लेकिन ऐसे सांपों को कभी परेशान नहीं करना चाहिए नहीं तो दुनिया के तीन सबसे खतरनाक मौत के खेल, जिन्हें जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। नंबर 3 रशियन स्लैप कंपटीशन, इस प्रतियोगिता में 2 लोग एक दूसरे को चाटे मारते हैं और चाटे भी इतनी जोर से मारते हैं कि सामने वाले का दिल और दिमाग पूरा एक हो जाता है। जो इंसान दूसरे इंसान को चाटा मारकर गिरा देता है वो इस गेम का विनर कहलाता है। नंबर 2 जल्लीकट्टू, भारत के तमिलनाडु में खेले जाने वाला एक खेल भारत का सबसे खतरनाक खेल है। इस खेल में बैलों के सिंगों पर लोट फंसाकर और उन्हें भड़काकर भीड़ में छोड़ दिया जाता है ताकि लोग सिंगों को पकड़कर उन्हें काबू में कर सके। इस खेल में लोगों की मौत तक हो जाती है। नंबर 1 हैंगिंग ब्रिज, चाइना में बने इस ब्रिज का आनंद लेने लोग बड़ी दूर दूर से आते हैं। ये ब्रिज जमीन से सैकड़ों फीट ऊंचाई पर है। जब लोग इस पर चलते हैं तो ये ब्रिज हिलने की वजह से लोग नीचे गिर जाते हैं, लेकिन लोग रस्सी से बंधे होते हैं जिससे इनकी मौत तो नहीं होती लेकिन दिल का दौरा जरूर पड़ सकता है।
दुनिया के तीन सबसे जहरीले सांप। नंबर तीन, ईस्टर्न ब्राउन स्नेक। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला यह सांप बेहद ही जहरीले होते हैं। इस सांप के काटने के बाद आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। इस सांप के बच्चे भी बेहद खतरनाक होते हैं और अपने जहर से किसी भी इंसान को मौत के लिए सुला सकते हैं। नंबर दो, ब्लैक मांबा। ये सांप दुनिया का सबसे तेज सांप है जो अपने शिकार का पीछा 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से करता है। ये इतना खतरनाक होता है कि जंगली जानवर भी इसके पास जाने से कतराते हैं। भले ही इस सांप का नाम ब्लैक मांबा है, लेकिन सच में इसका कलर ब्लैक नहीं है बल्कि ग्रे कलर का होता है। दरअसल इसका मुंह अंदर से काला होता है, इसलिए इसे ब्लैक मांबा कहा जाता है। नंबर एक, इनलैंड टाइपन। इस सांप को दुनिया का सबसे जहरीला सांप माना जाता है। इसके एक बाइट में 100 मिलीग्राम तक जहर होता है जो 100 लोगों को आराम से मार सकता है। इसका जहर कोबरा की तुलना में 50 गुना ज्यादा खतरनाक होता है, लेकिन ये इंसानी बस्ती से दूर रहना ही पसंद करता है, जो कि अच्छी बात है। दुनिया के तीन सबसे खतरनाक खेल जिनके बारे में जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नंबर तीन, विंग सूट फ्लाइंग। अगर आप सुपर हीरो की तरह उड़ना चाहते हैं, तो ये खेल सिर्फ आपके लिए है। इस खेल में लोग हजारों फीट ऊंचे पहाड़ों से छलांग लगाकर 390 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ग्लाइड करते हैं। इसमें बहुत ज्यादा खतरा होता है। नंबर दो, स्नोबोर्डिंग। इस खेल में लोग बर्फ से ढकी हुई बड़े बड़े पहाड़ों से सर्फिंग करते हुए नीचे आते हैं, जिसकी रफ्तार इतनी तेज होती है कि थोड़ा सा भी बैलेंस बिगड़ने की वजह से लोग बर्फ में दबे हुए पत्थरों से टकरा कर मारे जाते हैं। नंबर एक, सी सर्फिंग। इस खेल में लोग कई लहरों के बीच में सर्फिंग करते हैं। कई बार बड़ी बड़ी लहरें लोगों को पानी के गहराई में ले जाती है, जिस वजह से किसी पत्थर से टकराने या पानी में डूबने की वजह से लोगों की मौत हो जाती है। दुनिया की तीन ऐसी सजाएं जिन्होंने न जाने कितने लोगों को तड़पा के मौत के नींद सुला दिया। नंबर तीन, आयरन चेयर टॉर्चर। उस इंसान पर कैसी बीतती होगी जो इस भयानक सजा से गुजरता होगा। एक ऐसी कुर्सी जिस पर हजारों नोकदार खिले होते हैं और जिस किसी अपराधी को सजा के तौर पर इस पर बैठाया जाता था, तो ये सभी खिले उस व्यक्ति के अंदर घुस जाती थी और वो इस दर्द को तब तक झेलता था जब तक कि वो मर न जाए। नंबर दो, ब्रेजन बुल। अपराधियों को सबक सिखाने के लिए पीतल से बने इस बेल का निर्माण किया था। इसके साइड में एक दरवाजा था जिसमें से अपराधी को इसके अंदर डाला जाता था और नीचे से आग लगा दी जाती थी। जैसे जैसे ये गर्म होता, वैसे वैसे इंसान पकने लगता था और इसके अंदर ही इंसान की मौत हो जाती थी। नंबर एक, बॉइलिंग। इस सजा में लोगों को खुलते हुए पानी में डाल दिया जाता था और इस पानी में तब तक रखा जाता था जब तक कि वो मर न जाए। सिर्फ पानी नहीं बल्कि खुलते हुए तेल में भी डाल जाता था और उबले हुए शव को मछलियों के हवाले किया जाता था, जिसे मछलियों का झुंड पलक झपकते ही खत्म कर देता था। दुनिया के तीन सबसे दुर्लभ सफेद जानवर। नंबर तीन, व्हाइट लायन। शेर के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन सफेद लायन के बारे में आपने शायद ही सुना होगा। व्हाइट लायन काफी रेयर होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें जू में ही देखा जाता है। इनका सफेद रंग पिगमेंटेशन की वजह से होता है। पूरी दुनिया में इनकी संख्या सिर्फ 113 ही बची है। नंबर दो, व्हाइट जिराफ। ये जिराफ केन्या में पाए जाते हैं और इस वक्त दुनिया में सिर्फ एक ही व्हाइट जिराफ बचा है। इसे तीन जिराफ थे पर शिकारियों ने दो जिराफ को मार दिया और बचे हुए एक जिराफ को बचाने के लिए उस जिराफ पर जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस लगाया गया है। नंबर एक, व्हाइट स्क्विरल। इस व्हाइट स्क्विरल को देख पाना बेहद ही मुश्किल होता है क्योंकि ये दुनिया में बहुत कम पाए जाते हैं। कई जगह पर इसे शांति का प्रतीक और लकी भी माना जाता है। दुनिया के तीन सबसे खतरनाक और भयानक सीढ़ियां जहाँ से चढ़ पाना बहुत मुश्किल होता है। नंबर तीन, देह कुस्टेयर्स। हवा में मौजूद इन सीढ़ियों को दुनिया के सबसे खतरनाक और पुरानी सीढ़ियों में से एक माना जाता है। इन सीढ़ियों की संख्या लगभग 4000 और समंदर तल से ऊंचाई 3000 मीटर है। यहाँ से गिरकर अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है, जिस वजह से इन सीढ़ियों पर चढ़ना बैन है। नंबर दो, द स्काई लैडर। ऑस्ट्रेलिया में मौजूद यह सीढ़ियां कमजोर दिल वालों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये सीढ़ियां जमीन से लगभग 2300 फीट ऊंचाई पर है। यहाँ से गिरने के बाद किसी के बचने के कोई चांसेस नहीं। नंबर एक, कलावंती दुर्ग। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित इन सीढ़ियों को दुनिया के सबसे खतरनाक और जानलेवा सीढ़ियां माना जाता है। दरअसल इन सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए कोई सपोर्ट भी नहीं है और बरसात के दिनों में तो इन सीढ़ियों पर से पानी बहता है, जिसके कारण फिसलने से यहां कई लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया के तीन सबसे खतरनाक घूमने फिरने वाली जगह जहाँ जाने से लोग 100 बार सोचते हैं। नंबर तीन, ट्रोल टुंगा। नॉर्वे की 800 फीट ऊंची चट्टान पर चढ़ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसके रास्ते में खड़ी चट्टान और फिसलन भरे रास्ते हैं। इस पहाड़ का एक सिरा खतरनाक तरीके से आगे बढ़ा हुआ है जहाँ कोई सेफ्टी नहीं है, लेकिन वहाँ से नजारा काफी गजब का लगता है। नंबर दो, माउंट हुआशन। चाइना के इस पहाड़ पर चढ़ाई करने के लिए लोगों की रूह कांप जाती है। इस पहाड़ पर जाने के लिए लकड़ी के पतले पतले टुकड़ों पर से जाना पड़ता है जो कभी भी टूट सकते हैं। नंबर एक, किंग डाका। ये दुनिया का सबसे खतरनाक रोलर कोस्टर है, जिसकी ऊंचाई 456 फीट है। ये 205 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। जब ये अपने फुल स्पीड में चलता है तो लोगों को चक्कर आ जाते हैं, और जब ये पानी के ऊपर से जाता है तब वो नजारा काफी गजब का होता है। दुनिया की तीन सबसे खतरनाक नदियाँ। नंबर तीन, सिट्रम रिवर। इंडोनेशिया में मौजूद यह नदी दुनिया की सबसे प्रदूषित और गंदी नदी है। इस नदी का पानी बेहद दूषित और बैक्टीरिया से भरा पड़ा है। यहाँ के स्थानीय लोग इस नदी के पानी से नहाते भी है और कुछ तो इस पानी को भी पीते है, जिससे गंभीर बीमारियां भी हो सकती है। नंबर दो, अमेजोन रेन फॉरेस्ट। अमेजोन नदी साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। ये नदी मुख्य रूप से खतरनाक जंगलों के बीच से गुजरती है, जहाँ न जाने कितने खतरनाक जीव रहते होंगे जिन्हें आज तक कभी नहीं देखा गया, जो इंसान को कुछ समय में मौत के नींद सुला सकते हैं। इसी
कौनसी नदी में दुनिया का सबसे खतरनाक सांप एनाकोंडा पाया जाता है? नंबर एक, रियो टिंटो रिवर। स्पेन में बहने वाली इस नदी को खून की लाल नदी कहा जाता है क्योंकि ये दिखने में लाल दिखाई देती है। इस नदी में धातु की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है और इसमें जो लाल पानी बहता है वो असल में एसिड है जिसकी पीएच मात्रा 1.6 है, जिस वजह से ये किसी भी जीव को गला सकता है। दुनिया की तीन सबसे खतरनाक आदिवासी जनजाति। नंबर तीन, चिम्बू स्केलेटन। दुनिया की सबसे खतरनाक आदिवासियों में से एक ये जनजाति न्यू गुनिया के चिम्बू इलाके में रहते हैं। ये लोग अपने शरीर को मिट्टी और राख की मदद से इस तरीके से पेंट करते हैं कि वो किसी कंकाल के जैसे दिखाई देते हैं। दरअसल वो अपने दुश्मन को डराने के लिए ऐसा करते हैं। किसी का सामना अगर इन लोगों से हो जाता है तो लड़ने से पहले ही इन्हें देखकर ही भाग जाते हैं। नंबर दो, मोहावक पीपल। मोहावक एक बाल के बनावट को कहते हैं जिसमें बाल किसी इंसान के सर पर झाड़ियों जैसे दिखाई देते हैं। ये लोग अपने बाल भी इसी तरीके से सजाते हैं, इसलिए इन्हें मोहावक कहा जाता है। ये नॉर्थ अमेरिका का सबसे पहला आदिवासी समाज है। ये लोग बड़ी शांति से रहते हैं, लेकिन जब बात इनकी जिंदगी पर आती है तो ये बहुत ही आक्रामक हो जाते हैं। नंबर एक, सेंटाइनलेस। ये दुनिया का इकलौता ऐसा समाज है जो पूरी दुनिया से कटा हुआ है और भारत के अंडमान निकोबार के बगल में एक द्वीप पर रहते हैं। इस द्वीप पर जाने के लिए भारत सरकार ने बैन लगा दिया है। जब कोई अनजान इस पर चला जाता है तो ये लोगों से मौत की नींद सुला देते हैं। ये पूरा इलाका इंडियन नेवी से सुरक्षित है। भारत के तीन सबसे रहस्यमय मंदिर। नंबर तीन, सोमनाथ मंदिर। ये मंदिर एक महत्वपूर्ण हिंदू मंदिर है जिसकी गिनती 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहले की जाती है। प्राचीन काल में ये शिवलिंग हवा में झूलता था, लेकिन आक्रमणकारियों ने इसे तोड़ दिया था। कहा जाता है कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था। इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। यही भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग किया था। नंबर दो, उज्जैन का काल भैरव मंदिर। काल भैरव का ये मंदिर लगभग 6000 साल पुराना है। एक तांत्रिक मंदिर है। यहाँ की मूर्ति मदिरा पान करती है। मदिरा मतलब शराब, इसलिए इस मंदिर में प्रसाद की जगह शराब दी जाती है। नंबर एक, ज्वाला देवी मंदिर। ये मंदिर देवी सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है। कहा जाता है कि यह माता सती की जीप गिर थी और हजारों सालों से यहाँ से आग निकलती आ रही है। इस मंदिर की खोज पांडवों ने की थी। इसे वीडियो देखने के लिए और चैनल को बढ़ने में मदद करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।